हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था डाइपोल, हमने पढ़ा है डाइपोल के बाद हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, फिर हमने एक्सेल कंडीशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल हमारा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने एक्सेल कंडीशन में पढ़ा था, इक्वेटोरियल कंडीशन में पढ़ा था, उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम आज क्या कर रहे हैं उस पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है आपको कैसे हेल्प करेगा, आपका एक तो प्रीवियस आपके टॉपिक जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। टू चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकुलम एंड माइनस 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, ये एक दूसरे से कितने हैं 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कैलकुलेट, पहले तो बच्चों यहां ध्यान दो, ये कैलकुलेट कहे या ना कहे वो बात की बात है, पहले मैं ऐसे ही समझ लेता हूँ ये क्या चीज दिया हुआ है। यस्टरडे वी हैव स्टडीड, इन लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इफ टू चार्जेस इक्वल बट अपोजिट, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है एंड बोथ आर अपोजिट, एक प्लस है दूसरा माइनस है। इफ टू चार्जेस इक्वल बट अपोजिट आर सेपरेटेड बाई अ फाइनाइट डिस्टेंस, अगर वो एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं तो वो किसको बनाते हैं, डाइपोल को बनाते हैं। तो डाइपोल बनता था तो डाइपोल का अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो हमने लिखा कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप देखो आपका रिविजन भी हो रहा है। आपने क्या कहा, देखो दो चार्जेस हैं आपके, आपने बोला कि एक प्लस क्यू है प्लस 5 माइक्रोकुलम है और एक माइनस 5 माइक्रोकुलम है, ये एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था डाइपोल, जब पढ़ाया हुआ था तो देखो ये क्या था, प्लस क्यू माइनस क्यू और यहाँ पे आपकी डिस्टेंस थी 2a, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों पढ़ा था, हमने बोला था आइदर चार्ज ले लो क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस दैट इज 2a, क्यू इंटू 2a, 2a आपकी डिस्टेंस होती है इनके बीच की। अभी आपको ये 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस दी है, दिस इज बेसिकली आपका ये जो वैल्यू है आपकी, ये 2a की वैल्यू है, बस चार्ज आपको दे दिया है, आपका एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दो चार्जेस दे दिए, डाइपोल मूवमेंट होता है आपका क्यू इंटू 2a, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे, यूनिट हो जाएगी इसकी क्यू की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो मैं क्या लिखता हूं इसका सोल्यूशन, देखो डाइपोल मूवमेंट तो डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, देखो तुम्हारा P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो Q का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो 5 × 10⁻⁶ कूलम हो गया Q की वैल्यू, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, और आपका जो 2a है 2a 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है, जैसे सबको पता है 1 मीटर कितना होता है 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर को कैसे लिखते हैं, इसको 1000 × 1 मिलीमीटर लिख सकता हूँ, बेटा 1 मिलीमीटर कितना आ जाएगा 1/1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/10⁻³ 1, 2, 3 और यहाँ मीटर, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ - 3 मीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ - 3 मीटर। तो आपने क्यों लिखा 5 × 10⁻⁶ कूलम हो गया, 2a आपका जो है वो 1 मिलीमीटर दिया है, 1 × 10⁻³ - 3 ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। इन केस अगर कोई बच्चा वीडियो देखता है उसको ऐसी छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम होती है तो पिछड़ते जाता है, तो हम उन बच्चों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिन्हें प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर बायो स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं तो बायो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी हम छोटी छोटी चीजें में लिख दिया करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है बच्चों, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁶ इंटू इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 × 10⁻³ - 3। अब देखो यूनिट Q की कितनी होती है कूलम और डिस्टेंस की आपकी मीटर लिख दी, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछता तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम -2 + डाइपोल की डायरेक्शन -2 + होती है, तो ये वैल्यू आ गया इतना डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम -2 +
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10^4 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 30 डिग्री। कोई हमारा डाइपोल है वो 30 डिग्री के एंगल से रखा हुआ है और उसका हमें ई दे दिया और ये दे दिया है, इसमें लिखेंगे इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 9×10^-26 न्यूटन मीटर, इतना उस पर टॉर्क लगता है। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो कल क्या पढ़ाया था देखो मैंने बच्चों की, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हमने किसी डाइपोल को रखा हुआ था, देखो लास्ट वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा ये डाइपोल, इधर हमने माइनस क्यू बनाया था, इधर हमने प्लस क्यू, थीटा एंगल पे रखा हुआ था, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ को क्यू ई फोर्स लग रहा था, इधर को माइनस क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला होता, तो यहाँ पे दो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे तो टॉर्क को जनरेट कर रहे थे। तो वो कह रहा है कि जब 30 डिग्री के एंगल में 10^4 न्यूटन पर कूलम के एक डाइपोल को रखा जाता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 9×10^-26, तो डाइपोल मूवमेंट उसका बताइए। कल मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था टाउ, हालांकि पी साइन थीटा होता है लेकिन हम लोग फिर भी एक मिनट के लिए कैलकुलेट ही करते हैं। तो क्या था, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने किया था, आइदर फोर्स कितना था क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये निकाली थी मैंने, तो ये क्यू ए होता है और ये आ गया था आपका 2a sin थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2a sin थीटा, परपेंडिकुलर है यहाँ, पी फॉर परपेंडिकुलर है, अभी आप इसको वो वाला डाइपोल वाला पी मत समझ लेना, 2a sin थीटा, तो आपने यहाँ पे 2a sin थीटा लिख दिया, तो क्यू इंटू 2a को आप लोग साथ में लिख दिए और यहाँ पे e sin थीटा को इसको बोल दिया PE sin थीटा। तो कल हमने देखा था टॉर्क का फॉर्मूला है, अब मैं करने वाला क्या हूँ, मुझे जो जो वैल्यू दी है मैं उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, हालांकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको भी PE sin थीटा, बट अभी हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो हमने इस डेरिवेशन को छोटे से शब्दों में दोबारा से रिविजन में भी कर लिया, तो ठीक है ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tau इक्वल टू PE sin थीटा, तो इसमें थीटा आपको दिया हुआ देखो 30 डिग्री, sin थीटा इक्वल टू sin 30, ये होता है हाफ, है ना, हाफ है कहते हैं, तो कौन है हाफ यहाँ पे, sin 30 हाफ है, हाफ मतलब आधा, ठीक है ऐसे याद रख लो, और P कितना है आपका, P तो भाई पूछ ही रहा था शायद मुझसे वो, E कितना दिया था 10^4 न्यूटन पर कूलम और आपका टाउ था 9×10^-26, बस इस फॉर्मूले में रख दो, तो पी कितना हो जाएगा यहाँ से टाउ अपॉन ई साइन थीटा, टाउ की वैल्यू कितनी है 9×10^-26 अपॉन ई की वैल्यू है 10^4 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होगा 1/2,
इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 2 × 10⁻²⁶ है, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -4 बेटा 18 × 10⁻³⁴ कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। तो पी की वैल्यू आ गई आपकी 18 × 10⁻³⁶ कूलम मीटर। अब इसको 1.8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको इसको 1.8 बनाना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1.8 × 10⁻²⁹ कूलम मीटर हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1/3 × 10⁻⁷ कूलम आर प्लेस्ड इन अ uniform electric field of 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, कॉमा करके लिख देते हैं, they are separated by 2 cm, इनके बीच का डिस्टेंस 2 cm है। तो हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क। बच्चों आपका ये क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके दो चार्जेस लगे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है कितना 1/3 × 10⁻⁷ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क ये कितना एग्जिस्ट करेगा। तो देखो कल पढ़ाया था मैंने फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, टाउ इक्वल टू पहले तो देखो पी साइन थीटा था, आप बोलेंगे टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, साइन 91 होता है, वन कैसी वैल्यू होती है उसकी मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो टाउ मैक्स इक्वल टू पीई, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी। अब मुझे अगर पीई मिल जाए तो मेरा फिर आंसर आ जाए, तो E तो भाई मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है, मुझे P थोड़ा सा निकाल लेना है। तो मैंने पढ़ा था गिवन क्या है, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁷ कूलम हो गया, और जो डिस्टेंस है जिसको हम 2A बोलते हैं, 2A की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया वो, सेपरेटेड बाई 2 cm, ये 2A कितना है आपका 2 cm, 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना है, ई भी दिया हुआ है, ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा देखो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी फॉर्मूला है, पी क्या होता तुम्हारा क्यू इंटू 2A इंटू ई हो गया, क्योंकि वैल्यू कितनी है 1/3 × 10⁻⁷, 2A कितना है आपका 2 × 10⁻²⁰ इंटू E की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁷ से ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 × 10⁻²⁰ टाउ मैक्सिमम। टॉर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसका आंसर हो गया 2 × 10⁻²⁰। इसको अगर और बढ़िया करके लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2/10⁻²⁰ हो जाएगा, यानी कि बेटा 2/100 0.02 न्यूटन मीटर। तो
ये क्वेश्चन हो गया आपका नेक्स्ट, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज 1 माइक्रोकूलम कॉमा लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हैविंग चार्ज इतना, लेंथ इतना, इसमें लिखेंगे एट, ऐसा लिख दो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन एक्चुअली हमें दिया क्या हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी कि सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अगर हमें वो समझ में आ गया तो फिर उसके बाद हमारे चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, उसने बोला दो चार्जेस हैं, आपका कितना है, एक -1 माइक्रोकूलम होगा, एक +1 माइक्रोकूलम होगा, इसकी जो लेंथ है जिसको हम 2a बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो। अब इससे आपका सेंटर से, कल हमने पढ़ा था, देखो सेंटर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बोल रखा है, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम एट सेंटर इन इक्वेटोरियल कंडीशन लिख दो, इन इक्वेटोरियल कंडीशन। इक्वेटोरियल कंडीशन क्या होगा, देखो 12 सेंटीमीटर तो ये हो सकता है, लेकिन इक्वेटोरियल बोल रहा तो यहाँ डिस्टेंस हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के लिए हमने कल फॉर्मूला लिखा था, तो देखो जैसे ई इक्वेटोरियल आ रहा था, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 P/r³, पी कितना होता है आपका, क्यू इंटू टू होता है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, देखो ना इसको आप P/r³ से भी सॉल्व करें तब भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप और अगर और ज्यादा इसका बेहतर आंसर चाहते हैं तो आपको एक स्टेप इससे पहले वाला जो था अगर आपको वो याद आ जाए तो फिर बात बन जाए, वो स्टेप क्या होता है, देखो आप इससे पहले वाला स्टेप क्या होता है अगर वो ध्यान रहे, हालांकि अब इससे भी लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्यू इंटू टू ए लिखना पड़ेगा और आर आपकी डिस्टेंस, आपको आर आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम मोर एक्यूरेट आंसर की तरफ जाए, एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर हमें याद आ जाए तो बढ़िया है। तो वो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था, अगर कल की आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपने देखो ये -1 माइक्रोकूलम की वजह से निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्ड आ रहा था। कहने का मतलब ये है, रटना नहीं है, फॉर्मूले ऐसे ही दिमाग में रह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2a है तो ये a था, ये भी a था, ठीक है, ये आपका कितना था, ये डिस्टेंस आपकी r है और ये हो रही थी √r² + a², ठीक है। फिर डायग्राम आपके दिमाग में अगर होगा तो आपने ये देखा था यहां से क्या, ये आ रहा था आपका ईए कॉस थीटा और ये आपका आ रहा था ईबी कॉस थीटा, यहाँ बच्चों आपका ईए साइन थीटा आ जा रहा था और यहाँ पे आपका ईबी कॉस थीटा। अब ए भी अभी किसी इसको आप ए लिखेंगे तो आपका ये ईए कॉस थीटा, चलो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका ईबी साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ए लिखा था, इसको हमने बी लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका ये ईबी आउटवर्ड लग रहा था, मैंने पहले ही बोला था हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेरिवेशंस को भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, यहाँ पे ये ईए हो गया, तो आपके ईए के दो कंपोनेंट थे, आपके ईए कॉस थीटा, इसको ए लिख दो इसको बी लिख दो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ईए कॉस थीटा और ये ईए साइन थीटा। तो कल हमने देखा था कि ईबी साइन थीटा और ईए साइन थीटा कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा दोनों में सेम है, ईए और ईबी है, तो ईए क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये 1 वैल्यू है और ये डिस्टेंस जितनी आएगी वही डिस्टेंस ये भी आएगी क्योंकि ये और ये दोनों के लिए सेम है, सॉरी ये वाला और ये वाला सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम आएगी, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया था आपका, रिजल्टेंट आपका आ गया था कितना, टू, या पहले हमने पहले किया था ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और हमने क्या कहा था जो ई ए था वो इक्वल था किसके, ई बी के, और ई ए ई बी के इक्वल था कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्या था, क्यू अपॉन आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या होता है, अपॉन में इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं हम लोग, अगर ये पी पॉइंट है तो ए पी स्क्वायर, ए पी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो ये आया था। फिर कॉस थीटा हमारा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर ये बेस, तो ए अपॉन क्या आ गया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ पे रखा था हमने, तो इसको एड करूंगा तो ई ए ई बी इक्वल, तो टू टाइम्स हो जाएगा ना, तो इक्वल टू हो गया आपका टू ई ए कॉस थीटा, टू इंटू ई ए की वैल्यू कितनी थी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये पावर कितनी बन जाएगी, वन हो गई, ये वन बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर थ्री बाई टू। तो आप इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2qa अपॉन, अच्छा मैंने शुरू में मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने बोला क्या था, अगर यहाँ पे मैंने 2p बोल दिया हो गलती से, मुझे p अपॉन rq भी लिखाया होगा वैसे, अगर गलती से कहीं 2 बोल दिया होगा तो उसको सही कर लेंगे आप लोग। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आपका मोर एक्यूरेट आंसर आएगा, हालांकि अब इसमें भी रखते तब भी ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब होता, लेकिन हम लोग जब इसको नेग्लेक्ट कर देते तब ऐसा बनता है ना, ए को नेग्लेक्ट कर दिया था तब ये फॉर्मूला बन रहा था, तो अभी हमारे पास वैल्यूज जो दी है मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, दिस इज जस्ट रिविजन नथिंग एल्स, आपको कल जो पढ़ाया था लास्ट वीडियो में उसका थोड़ा सा हमारा रिविजन सा हो गया है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेटोरियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किधर चला गया, क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो 1 माइक्रो कूलम है तो 1 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, आपका बच्चों 2a जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो आपका a हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसको 5 × 10⁻²⁪ मीटर लिख सकते हैं, और आपके पास r जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लें तो उससे भी हमें कोई नुकसान नहीं है, या चलो मीटर में ही कन्वर्ट करके कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 10⁻²⁪ मीटर, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, यहां से देखो मैं आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं बोला कि गलत है कोई सही है, लेकिन मैं बिल्कुल इजीएस्ट तरीके पे जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे उस बच्चे तक पहुंचना है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन में। मैंने इसको बेटा 10⁻²⁻ इसको 1/10⁻²⁪ लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक ही चीज है, वो है कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट, उसको देखते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻⁶ क्यू की वैल्यू है, 2a आपका यहाँ पे कितना है देखिए 10 सेंटीमीटर लिखूंगा, या चलो 2 5 a की वैल्यू लिख दो, a निकल के आ गया तुम्हारा कितना 5 बाई ये, ठीक है, अपॉन यहाँ पे ध्यान दीजिए r स्क्वायर, r कितना बच्चों 12 अपॉन 10⁻²⁪ इसका स्क्वायर है, प्लस ये आपका है 5 upon 10⁻²⁪ इसका भी स्क्वायर है, फिर इस पूरे की जो होल पावर है वो 3/2 है, पूरे की जो होल पावर है वो दैट इज 3/2। तो अब होगा क्या, देखो यहां पे 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 90 90 हो गया, इंटू 10⁻³ कोई बात नहीं 9 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 10⁻⁶ है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻²⁪ हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या करते हैं देखो 12 स्क्वायर हो जाएगा, वो होगा 144,
टेन रेज टू दी पावर टू है उसका स्क्वायर है, मतलब उसको दो बार लिखना है मुझे, टेन रेज टू दी पावर टू इंटू टेन रेज टू दी पावर टू, तो पावर एड हो जाती है, टेन रेज टू दी पावर फोर आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन टेन रेज टू दी पावर फोर प्लस फाइव का कितना होगा 25 अपॉन इस पूरे की पावर बच्चों 3/2 है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, देखो यहाँ से इसको ये कैलकुलेट कर देना है, यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 9 में से 8 चला गया कितना बच गया 1, तो आपने इसको लिख देना है 90 × 10 अपॉन, अब यहाँ पे आपने कर देना 144 प्लस 25 करोगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ अलग अलग पावर्स में, इसको पावर 3/2 बना देता हूँ अपॉन यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 4 को अलग से लिख देता हूँ, इसकी पावर लिख दूंगा मैं 3/2, तो कितना हो जाएगा देखो ये इसको ऊपर लेके चले जाते पहले कोई बात नहीं, 169 जो होता है आपका 13 स्क्वायर होता है बच्चों, सॉरी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो चीज है ऊपर चले जाएगी, इसको मैं 10 स्क्वायर पावर 4 को ये लिख सकता हूँ, यहाँ पावर 3/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 10 रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी देखो 900 अपॉन यहाँ पे 13 क्यूब हो गया इनटू ये बच गया आपका 10 स्क्वायर पावर यहाँ पे रह गई 3, ठीक है। मतलब इसको तीन बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2, 2 2 2 6 हो जाएगा। तो आपने देखना है यहाँ पे 900 अपॉन 13 × 13 × 13 तीन बार उसको मल्टीप्लाई करोगे और ये 10 रेज टू द पावर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 13 क्यूब जो निकालेंगे आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, 13 क्यूब अब तो आसान हो गया ना, 13 क्यूब सॉल्व करेंगे, 13 क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे और इसको फिर जो पीछे से वैल्यू आ जाएगी वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखा क्वेश्चंस कैसे हमारे एक्सेल कंडीशन इक्वेटोरियल कंडीशंस पे होता है। अभी अगर कोई एक्सेल का क्वेश्चन आता तो सेम फॉर्मूला हम लोग लेके चलते, 2p/r³ होता था वहां पे, तो वही एक स्टेप पहले जहां पे हमने नेग्लेक्ट किया था वाले फॉर्म को देख करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।